नमस्कार, पंचायती टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं कोमल सिंह। दिन भर की जो सबसे बड़ी खबरें हैं वो हम आपको बताएंगे और बात करेंगे। पहली खबर की अगर हम बात करें तो पहली खबर आ रही है महागठबंधन से। 2019 के चुनाव में मोदी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट खड़ा है और एक साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश से महागठबंधन के लिए खबर अच्छी नहीं है। महागठबंधन के लिए खबर अच्छी इसलिए नहीं है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते, या यूं कहें कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में महज 2 सीटें यानी रायबरेली और अमेठी, जो कांग्रेस की पुश्तैनी सीट कही जाती है, वहां से ही टिकट देने की इच्छा रख रहे हैं। बाकी जगहों पे वो कांग्रेस को टिकट नहीं देना चाहते, बाकी जगहों पर खुद ही लड़ना चाहते हैं या बाकी जो गठबंधन के लोग हैं उनको टिकट देना चाहते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस को एक छोटी सी, या ये कहें कि पीछे छोड़ के एकदम अलग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेके मंगलवार को अखिलेश दिल्ली आने वाले हैं और गठबंधन के अन्य जो दल हैं उनसे बात करेंगे। अगली खबर की तरफ रुख करें। अगली खबर आ रही है घाटी से। घाटी में 1 महीने का रमजान का जो सेना का ऑपरेशन था ऑल आउट, उसको रोक दिया गया था। उसके बाद कल से ऑपरेशन ऑल आउट को दोबारा शुरू किया और आज बांदीपुरा से खबर आई है कि सेना से मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। 1 महीने बाद ऑपरेशन शुरू हुआ था और 1 महीने बाद आज सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। अगली खबर की बात करें। अगली खबर है दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने 3 मंत्रियों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं पिछले 7 दिनों से, और आज उनके धरने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल खड़ा कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि पहले आप ये स्पष्ट करिए कि आप धरने पे बैठे हैं या अनशन पे बैठे हैं। दूसरा सवाल ये था कि आपका फैसला ये था, ये का कैबिनेट का फैसला था या ये आपका व्यक्तिगत फैसला है, और अगर व्यक्तिगत फैसला है तो आपका धरना एलजी हाउस में नहीं होना चाहिए, एलजी हाउस के बाहर होना चाहिए, नसीहत भी दी है कोर्ट ने। और उसके साथ साथ एक सवाल और भी पूछा कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा अगर आप एलजी हाउस में धरने पे बैठे हैं तो क्या आपने एलजी से परमिशन ली है। सब मिला जुला के अगर बात करें तो कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री धरने पर बैठे हुए हैं और वहीं से अगली खबर है। अगली खबर है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की हालत गंभीर हो गई है। पिछले 7 दिन से धरने पर बैठे हैं, उसके बाद भूख हड़ताल पर तो अनशन पर बैठ गए थे, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई है और तबीयत खराब होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की भी तबीयत खराब होने की वजह से रविवार को रात को उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अगली खबर है एम्स की एमबीबीएस की परीक्षा का जो एंट्रेंस एग्जाम जो था एमबीबीएस का, उसका रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट जो आया है वो चौंकाने वाला था, क्योंकि इस बार रिजल्ट में 4 विद्यार्थियों ने 100% यानी 100% मार्क्स हासिल किए हैं। वहीं 2134 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 99% का मार्क्स हासिल किया है। ये रिजल्ट आया है, ये देश के तमाम जगहों पर एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कराए गए थे, तमाम सेंटर्स थे बड़े महानगरों में देश के जहाँ से ये एग्ज़ाम्स हुए थे एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बाद ये रिजल्ट आ जाया है। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरें हम फेसबुक और यूट्यूब के जरिए आप तक पहुँचाते रहते हैं। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।